नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे कि मोबाइल की सॉफ्टवेयर की अपडेटिंग के बारे में। अगर अपनी मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, नया वर्जन अपडेट कर रहे हो, उसका क्या क्या फ़ायदा रहता है और क्या क्या नुकसान रहता है। किसी भी कंपनी के मोबाइल हो, चाहे वीवो का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे एमआई का हो, चाहे टिकनो का हो, चाहे इन्फिनिक्स का हो, किसी भी कंपनी के मोबाइल हो, अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, उसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, इस वीडियो में जानेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा। मोबाइल के बारे में ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, उस प्रॉब्लम को हम एकदम सरल से सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और वीडियो बना के नेट पे डालेंगे। अगर आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो हमको कमेंट कर सकते हो, जब कमेंट देखेंगे तो बनाएंगे एकदम सरल से सरल भाषा में, ताकि आपको नॉलेज हो सके, जानकारी हो सके। अगर जो दुकान पर जाने की ज़रूरत रहेगी दुकान पर ही ठीक होगी, उसको बताएं कि ये दुकान पर ही ठीक होगी, आप नहीं कर सकते। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए मोबाइल के बारे में बता दे रहे हैं। अब ये नया मोबाइल खरीदे हुए हैं, वीवो Y56 5G। एक महीना हुआ है, बहुत से ज़्यादा एक महीने के अंदर में, और ये सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है। उसके बाद देख लीजिए, ये रेडमी की मोबाइल है, ये भी सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है। देखिए ऊपर से लिख के आ जा रहा है, देखिए इसमें ऊपर लिख रहा है, देखिए ऐप अपडेटिंग, एंड्राइड अपडेटिंग, कुछ भी लिख के आए। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो इसको ओके कर दीजिए। देख लीजिए अपडेट मांग रहा है। अगर इसको हॉटस्पॉट वाईफाई लाइक कनेक्ट करना चाहते हो तो हॉटस्पॉट लाइक कनेक्ट करके अपडेट कर लीजिए, नहीं तो यूज मोबाइल डाटा, आप मोबाइल की डाटा लाइक कर सकते हो। देखिए जैसे इसको हम करते हैं डाटा अपडेटिंग, इसको डाउनलोडिंग वर्जन देखिए बता रहा है, ऊपर लिख के आ रहा है कि पेंडिंग फॉर स्टेप आ रहा है लिख के। ये हमारा कहोगे तो अभी पेंडिंग में है, इसको अपडेट कर रहे थे, अपडेट हो गया होगा। ये अभी एक महीने के अंदर की मोबाइल है। अगर आप बता रहे हैं, अगर आप नया मोबाइल ख़रीद रहे हो, तो अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है किसी भी कंपनी में, चाहे वीवो का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे एमआई का हो, चाहे टिकनो का हो, एक साल के अंदर में अगर सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है तो आप अपडेट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सेट सही चल रहा है, एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट मांग रहा है तो उसको अपडेट ना करिए। देखिए ये भी है रेडमी का सेट, ये भी अपडेट मांग रहा है, कोई सब देख लीजिए, ये भी ऊपर लिख के आ रहा है। किसी भी कंपनी की मोबाइल हो अगर आप अपडेट कर रहे हो, देखिए आप सेटिंग में जाइए, सबसे पहले बता दे रहे हैं सेटिंग में जाइए। सेटिंग के जाने के बाद देखिए सिस्टम में जाइए, उसके बाद ये देखिए सॉफ्टवेयर अपडेटिंग, देखिए अपडेट टू एंड्राइड वर्जन 10, इसमें एंड्राइड वर्जन 10 पड़ा हुआ है, देख लीजिए कब अपडेट हुआ है, इसमें दिखा दे रहा है वर्जन 10 अपडेटिंग सिक्योरिटी अपडेट 1 जुलाई 2021 को अपडेट किए थे इसको, देखिए आखिरी बार, अभी फिर अपडेट मांग रहा है। अपडेट नहीं करते हैं, अगर अपडेट करेंगे तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, आ भी सकती है, नया वर्जन भी हो सकता है। जैसे इसको अपडेट करेंगे तो ये अपने आप चालू होगी, बंद हो जाएगी। आजकल मोबाइल सिर्फ दो ही कंपनी में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एक पोको कंपनी में, एक एमआई की कंपनी में। ये दो कंपनी का अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं किसी किसी मोबाइल में, सब मोबाइल में नहीं हो रहा, किसी किसी मोबाइल में, तो मतलब ये बंद होकर चालू हो जा रहा, बंद होकर चालू हो जा रहा है, यही प्रॉब्लम आ रही ज़्यादातर। देख लीजिए ये रियलमी की मोबाइल है, इसको भी अपडेट वर्जन देख लीजिए ये क्या है। देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट में गए, अपडेट किए, देखिए इसमें बता रहा है, देखिए वर्जन अप टू डाटा ये एंड्राइड वर्जन 6, देखिए एक कब का पड़ा हुआ है, देखिए अक्टूबर नवंबर 2020 का पड़ा हुआ है। इसमें अगर नया सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो ये मोबाइल दिक्कत हो सकती है, बंद होगी, चालू होगी, चालू होने लगती है। कभी कभी मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादातर वीवो और ज़्यादातर एमआई और पोको में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप अपडेट कर रहे हो तो मोबाइल आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर की, तो आप अपडेट करा सकते हो या अपडेट कर सकते हो। अगर कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप उसको अपडेट ना कराइए, नहीं तो आपकी मोबाइल प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी मोबाइल अगर आपकी सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए तो तुरंत
अपडेट नहीं करिए। देखिए ये भी मोबाइल है, कोई भी कंपनी की मोबाइल हो उसको अपडेट जब आपकी मोबाइल में प्रॉब्लम हो तभी अपडेट करिए, नहीं तो अपडेट ना करिए। अगर आपकी मोबाइल में कोई भी दिक्कत हो जाए तब आप दुकान पे जाइए अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आप अपने नेट चला के खुद ही कर सकते हो अपडेट। ऊपर लिखा रहता है कि आपकी मोबाइल अपडेट मांग रही, देख लीजिए, ये भी कहा गया था। होनर का सेट है, देखिए सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम में गए, सिस्टम में देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट पे गए, देखिए इसमें भी पड़ा हुआ है, देखिए ऐसे अपडेट किया जाता है। अगर अपडेट अगर आया होता तो ऊपर यहाँ लिख के आ जाता कि सॉफ्टवेयर अपडेटिंग, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अगर नेट चला रहे हो तो आपका अपडेट चालू हो जाएगा, 100% जाएगा, उसके बाद मोबाइल आपकी स्विच ऑफ होकर चालू हो जाएगी, तो आपका तनिक नया नया वर्जन आ जाएगा, नया नया ऑप्शन आ जाएगा किसी भी कंपनी के मोबाइल हो। लेकिन ये भी ध्यान दें कि अगर आपकी मोबाइल अपडेट मांग रही है, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपडेट नहीं करो, नहीं तो आप अपडेट करने के बाद आपको कुछ नया वर्जन मिलेगा, नया ऑप्शन मिलेगा, आप उसको कम समझ पाओगे, नहीं तो आपकी मोबाइल डेड होने की कंडीशन में रहेगी, डेड भी हो सकती है। अगर काफ़ी मोबाइल हमारे पास ऐसी आई है जो बोलते हैं कस्टमर कि इसको कुछ नहीं किए, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए, उसके बाद ये 100% अपडेट हो गया, उसके बाद बंद हो गया, चालू ही नहीं हो रहा है, और सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपकी मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो तभी अपडेट करिए, या दुकान पर जाइए दुकानदार को बताइए, दुकानदार अपडेट करके दे देगा। दुकानदार ये भी पूछेगा कि आपकी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आवाज़ धीम हो रहा आ रही है, क्या स्लो चल रहा है सेट, कभी कभी टच काम करते हैं तनी धीमे चल रहा है सेट, क्या हैंग कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना सेट अपडेट कर लें, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो होगा तो होगा, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो अपडेट कर रहे हो ऐसे प्रॉब्लम आ रही तो अपडेट कर लो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तब भी मोबाइल आपकी अपडेट मांग रही है तो उसको अपडेट ना करिए, वैसे रहने दे दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी मोबाइल चलाइए, एकदम बिंदास चलेगी। कभी कभी आदमी कस्टमर आ जाते हैं, भैया देखिए अपडेट मांग रहा है, कैसे इसको अपडेट करें, तब हमें पूछते हैं अगर कोई कमी हो तो अपडेट कर दें, अगर कोई कमी नहीं हो तो ना करिए, नहीं बोलते हैं नहीं तब भी इसको अपडेट मांग रहा है तो उसको अपडेट कर दीजिए। अरे हम बोलते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपडेट कर दिया जाए, नहीं तो कभी आते अपडेट कैसे करें, अगर अपडेट कर देंगे तो आपकी मोबाइल प्रॉब्लम में आ जाएगी। कोई मोबाइल भी अपडेट अगर एक साल के अंदर में अपडेट कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर एक साल के बाद अगर अपडेट करवा दे रहे हो या दुकान पर डरवा दे रहे हो तो आपकी मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आप दुकान पर गए, जैसे आपकी मोबाइल बंद हो रही चालू हो रही सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, मान के चलिए चालू हो रही बंद हो रही सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, आप दुकान पर जाइएगा, दुकानदार अपना सॉफ्टवेयर लोड करेगा, जैसे आज 2023 का एंड्रॉइड वर्जन 13 चल रहा है, आजकल सब मोबाइल में 13 आ गया है कि वो 13 वर्जन चलेगा, 12-13 चल रहा है, तो दुकान पर जाओगे, दुकानदार ने अपना नेट पर से इंडक्टिव वर्जन 12 और 13 मांग रहा है, तो आप कहें वर्जन 10 डाल देगा 9 डाल देगा, तो आपकी मोबाइल पुराने ज़माने की हो जाएगी, पुराने ऑप्शन में चली जाएगी, तब भी आपकी मोबाइल प्रॉब्लम करेगी। अगर आप 2023 में चला रहे हो तो मोबाइल, तो 2023 का वर्जन तो वो 13 ही है, 13 14 12 यही सब, अभी तो 14 नहीं आया है, 13 ही आया है। अगर आपकी मोबाइल का तो वर्जन 13 है तभी आपकी मोबाइल ठीक चल रही है। आप कोई भी कंपनी खरीदिए, इस समय हर कंपनी तो वर्जन 13 ही दे रही है,